गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपिका, योर सोशल स्टडीज़ टीचर। 29 जुलाई क्लास नंबर 18 में हमें कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं, जैसे कि मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सैटेलाइट्स। इन सभी पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नेम का मीनिंग समझते हैं। मीन्स होता है साधन या माध्यम, और कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेक्षण, बातचीत करना। तो जो हमारे संप्रेक्षण के साधन हैं, बात करने के एक दूसरे जो साधन हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। फोर्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं किस कौन कौन से साधन होते हैं। इस चैप्टर में हम वेरियस मीन्स को देखेंगे, कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, उनका इन्वेंशन किसने किया, कब हुआ, और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैन लिव्स इन अ सोसाइटी। जो मानव है, मैन मीन्स पूरी ह्यूमन बींग, मानव सोसाइटी में रहता है। देयर इज अ कंस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस। मानव के बीच में लगातार कम्युनिकेशन होता रहता है। ही हैज वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट। मानव के पास, ही मीन्स उसके पास, बात करने के, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने के जो है वेरियस मीन्स, बहुत सारे साधन हैं। ही कैन राइट लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। वो जो है लेटर्स लिख सकता है, टेलीग्राम लिख सकता है। ही कैन फोन, वो फोन कर सकता है, एंड और सेंड मैसेजेस एंड ईमेल्स, और मैसेज ईमेल को सेंड कर सकता है। ही ऑलवेज ट्राई टू कीप इन टच विद अदर्स। मनुष्य हमेशा ट्राई करता है कि वो दूसरों के साथ टच में रहे। अर्लियर मीन्स यहाँ पर बहुत साल पहले। ही यूज्ड साइंस, सिग्नल्स एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। स्टार्टिंग में जो है मानव ने सिंबल, साइंस, इन सब का जो है कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया था। हॉर्सेस, पीजन्स एंड मैसेंजर्स वर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। तब जो है घोड़ों का, कबूतरों का और मैसेंजर्स का जो है मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता था। नो वन नोज हाउ राइटिंग कम इनटू प्रैक्टिस। कोई नहीं जानता कि कैसे राइटिंग प्रैक्टिस में आई, कि किस तरह से लिखना शुरू हुआ। इट इज़ सपोज्ड दैट ड्रॉज एंड पेंटिंग्स वर द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ रिटन लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि ड्राइंग और पेंटिंग जो है ये पहला स्टेप था, पहला कदम था रिटन लैंग्वेज की तरफ। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन वॉल्स। शुरुआत में जो लिखा गया वो दीवारों पर, पत्थरों पर, पत्तियों पर और चमड़े पर। लेटर बाद में, पेपर एंड प्रिंटिंग कम इन वोग आफ्टर दीज इन्वेंशन मेड बाय द चाइनीज। बाद में जो है पेपर और प्रिंटिंग यानी कि कागज पर छपाई करके, जैसे ये पेपर पे आप देख रहे हैं ये प्रिंटिंग है, तो पेपर पे प्रिंटिंग का जो है एक आविष्कार हुआ, उस चीज़ का प्रचलन हुआ, और ये जो है चाइनीज से स्टार्ट हुआ था, चाइना से। विद द पासेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे समय बीता, मैनी इन्वेंशंस वर मेड एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड। बहुत सारे इन्वेंशन जो है वो किए गए और जो कम्युनिकेशन के मीन्स थे, जो साधन थे, उनको डेवलप किया गया। नाउ वी कैन कम्युनिकेट टू एनी पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड। और अब हम जो है किसी भी व्यक्ति से, वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहता हो, हम कुछ ही सेकेंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीज
modern means of communication have brought a great change in the mode of communication. Students, आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको अपने होमवर्क में चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है. नेक्स्ट क्लास में हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन और भी जो मीन्स हैं, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे. बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. सबसे पहले आप डेट डालेंगे, क्लास नंबर 18 पार्ट 1, चैप्टर 5 है हमारा, उसका नेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 10 फेमस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कोई 10 फेमस नाम आपको लिखने हैं. ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके आप प्रॉपर लिखिएगा. आपको स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स दिखी थी, वही हमारे मीन्स थे, और भी हैं, आप करिएगा.